Hello everyone. A very warm welcome on our e-learning platform of Advanced Scientific. We believe you all are doing great. Let's begin today's session. आज का session हम लोग top 15 research institute and university के बारे में करने वाले हैं, जो दिल्ली NCR region India में हैं. I welcome you all on our Advanced Scientific e-learning platform. Let's begin today's session. सो जो पार्टिसिपेंट स्पेशली स्टूडेंट एंड रिसर्चर साइंस बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेज एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स में है और वो लोग अपने ट्रेनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एंड पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको मैं कुछ की पॉइंट्स और कुछ एडवाइस देना चाहूँगी इन टॉपिक से रिलेटेड. जैसे कि जब आप रिसर्च लैब्स एंड इंस्टीट्यूट को प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने के टाइम, आप कुछ फैक्टर्स पे फोकस कीजिए, जैसे कि वहाँ जिन लैब्स में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ फंडिंग्स है या नहीं, जिसपे आप रिसर्च करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट फंडिंग्स ग्रांट है या नहीं, क्योंकि अदरवाइज आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है. आप जिन लैब्स एंड सुपरवाइजर को ज्वाइन कर रहे हैं उनके ग्रुप से पब्लिकेशन हाईली इम्पैक्ट फुल जर्नल्स में आते हैं या नहीं, ऑल्दो अगर आप बिगनर हैं बीएससी एमएससी तब रिसर्च एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन उतना मैटर नहीं करता है, बट एक सर्टेन स्टेज के बाद क्वालिटी पेपर्स मैटर करते हैं आपके पोस्ट डॉक साइंटिफिक जॉब्स के लिए एंड आपके प्रमोशंस के लिए भी, बट क्वालिटी मैटर्स क्वान्टिटी नहीं. ठीक है, सो आप देखिए कि आपके ग्रुप से पब्लिकेशन आ रहे हैं या नहीं जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं. इसके अलावा बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है, आपको एक बार देखना चाहिए आप जिन लैब्स में ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ का वर्क एटमॉस्फेयर एंड लैब कल्चर कैसा है, क्योंकि आप जानते हैं बीइंग अ साइंटिस्ट जब आप रिसर्च लैब्स में जाते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेडिकेशन पैशन आपको रिक्वायर्ड है, बट अगर आपकी लैब का एटमॉस्फेयर नेगेटिव होगा तो आपका ग्रोथ आपका मेंटल हेल्थ बहुत कुछ इम्पैक्ट करता है. इसलिए बेटर है आप एक बार होमवर्क कर लें, देख लें लैब कल्चर कैसा है, आपका ग्रोथ का चांसेस उस लैब में कितना है. सिमिलरली अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सुपरवाइजर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंडिया से आते हैं तो पीएचडी के लिए हमें कम से कम रिनाउंड लैब्स में 5 to 6, 7 ईयर्स भी कई बार लगता है. अगर आप आईएससी बैंगलोर और जेएनयू वगैरह से आते हैं तो कुछ लैब्स में 7 ईयर्स तक भी लगते हैं. सो अगर आपने सुपरवाइजर्स का नेचर नहीं देखा तो कई बार बहुत स्टूडेंट के फेस कर चुके हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सुपरवाइजर्स के साथ, सुपरवाइजर का स्टूडेंट्स के साथ, एंड बीच में आप लोगों को पीएचडी को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है. सो इससे बेटर है आप एक बार पहले ही वो देख लें. इसके अलावा आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस एरिया में है, जैसे आप बेसिक बायोलॉजी सेक्टर में आना चाहते हैं या अप्लाइड एरिया में जैसे कैंसर बायोलॉजी वायरोलॉजी न्यूरोबायोलॉजी, ये कुछ सिग्निफिकेंट एरियाज हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं. और आप ये बिल्कुल नहीं समझिए कि सिर्फ बेसिक अप्लाइड एरिया और ट्रांसलेशन रिसर्च ही इम्पॉर्टेंट है, बेसिक बायोलॉजी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम किसी भी सिस्टम को मॉलिक्यूलर और डीप लेवल में नहीं समझेंगे 110% हम लोग स्मार्ट सॉल्यूशन तक नहीं आ पाएंगे. सो बेसिक बायोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च बोथ आर इम्पॉर्टेंट, सो वाइजली पिक योर रिसर्च इंटरेस्ट. आपके रिसर्च इंटरेस्ट का प्रॉस्पेक्ट ग्लोबली कितना है वो भी एक बार आप वाइजली देख. सपोज अगर आप देख रहे हैं कोविड पीरियड का टाइम है सो नो डाउट वायरोलॉजी एक बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है जहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो इंडिया में भी और अब्रॉड में भी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं. और COVID-19 की वजह से ही नहीं, कोविड से पहले भी इन्फेक्शन बायोलॉजी वायरोलॉजी एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है बायोमेडिकल एंड बायोटेक एरिया में. जैसे कि आपको पता ही है डेंगू वायरस HIV हेपेटाइटिस जीका इबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरसेस है जिसपे डायग्नोस्टिक एंड वैक्सीन बनाने के लिए आप लोगों की जरूरत रहेगी फार्मा एंड R&D में. ठीक है, सो वाइजली आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट प्रॉस्पेक्ट को चूज कीजिए प्रायर टू डिसाइडिंग योर करियर ऑप्शंस एंड वाइल सेलेक्टिंग योर मेन करियर एरिया. ओके,
अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में जो टॉप यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अभी हम लोग सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, इंडिया और ग्लोबल टॉप अगर लिस्ट आप चाहते हैं आप कमेंट सेशन में बताइए, मैं आपको आने वाले वीडियोस में वो भी प्रोवाइड करूंगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बायोलॉजी, अप्लाइड मॉलिकुलर बायोलॉजी, वायरोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी में है, 15 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। सो अभी मैं ये दिल्ली एनसीआर को हाईलाइट करते हुए बना रही। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें, आई थिंक आप सबको पता है जेएनयू हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, और रिसर्च वाइज ग्लोबली रिनाउंड भी है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप अपने बेसिक एंड अप्लाइड बायोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड है। सो अगर आप SPR, क्रिस्टलोग्राफी, हाई एंड एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे है, और रिनाउंड जर्नल्स में मोस्ट ऑफ द ग्रुप पेपर पब्लिश भी करते हैं। द सेकेंड यूनिवर्सिटी विच इज वेरी रिनाउंड इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आई थिंक इंडिया में सब लोग जानते हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। सो दिल्ली में अगर आप साउथ इंडिया, नॉर्थ सॉरी अगर आप साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्च एरिया को सपोर्ट करते हैं। सो आप डिपेंडिंग ऑन बॉटनी, जुअलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जिस भी एरिया में काम करना चाहते हैं, आप उन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से कॉन्टेक्ट करके रिसर्च ट्रेनिंग एंड PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IIT हमारे इंडिया में एक टॉप इंस्टीट्यूट है, आप सब जानते हैं, और दिल्ली IIT भी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बहुत ही एडवांस लेवल पे डायग्नोस्टिक सेक्टर से रिलेटेड, थेरापेटिक सेक्टर से रिलेटेड, बेसिक बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी रिलेटेड काफी एडवांस काम कर रहा है। सो अगर आप इन एरियाज में इंटरेस्टेड है तो आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग COVID-19 पीरियड में, आप सबको वायरोलॉजी का सिग्निफिकेंस समझ है, आप अगर बायोलॉजिस्ट है, नॉन बायोलॉजिस्ट है, स्टिल आज की डेट में कोविड और बायोटेक्नोलॉजी दोनों का सिग्निफिकेंस आप सब देख सकते हैं इस चैलेंजिंग पीरियड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी मोस्टली हमारे इंडिया का बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप वायरोलॉजी रिलेटेड काम कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, कैंसर बायोलॉजी रिलेटेड काम कर सकते हैं। सो अगर आप PhD ट्रेनिंग और ये रिसर्च एरियाज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एम्स भी इंडिया का एक रिनाउंड मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंट एरिया ऑफ ऑन्कोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी विथ क्लिनिकल रिसर्च, बहुत सारा काम यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं अपने ट्रेनिंग और PhD पर्पज के लिए तो आप वाइजली यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें जीनोमिक्स एरा की, आप सबको पता है अभी हम लोग बिग डेटा बायोलॉजी, प्रिसीजन डायग्नोस्टिक एंड पर्सनलाइज मेडिसिन में, अभी के टाइम में जीनोमिक्स की स्टडीज, ऑमिक की स्टडीज, सिस्टम बायोलॉजी एक बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है जिसपे की रेगुलेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट है। सो दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जिसको हम IGIB भी कहते हैं, वहाँ पे भी जीनोमिक्स रिलेटेड बहुत सिग्निफिकेंट काम हो रहा है। तो जो भी पार्टिसिपेंट एंड स्टूडेंट जीनोमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की, आप सबको पता है बायोटेक्नोलॉजी एक सिग्निफिकेंट एरिया एंड स्ट्रीम ऑफ बायोलॉजी है, जो अभी COVID-19 के टाइम पे प्लैनेट को सेव कर रहा है, डायग्नोस्टिक्स में बनाने के लिए, वायरस को समझने के लिए, होस्ट पैथोजन के इंट्रैक्शन को समझने के लिए, वैक्सीन एंड थेरेपेटिक के डेवलपमेंट। सो आप बायोटेक्नोलॉजी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, इन्फेक्शन बायोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, मेडिसिनल बायोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, तो आप ICGB में अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्लोबल सेंटर है, इनमें से एक सेंटर इनका दिल्ली में भी है। बायोटेक्नोलॉजी का एक और सेंटर जो दिल्ली NCR फरीदाबाद में है वो है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी काफी अप्लाइड और ट्रांसलेशनल
काइंड ऑफ रिसर्च होता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल दैट PHSTI जो ट्रांसलेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रिसर्च एरियाज में आपके अप्लाइड एंड बेसिक बायोलॉजी रिलेटेड, वायरस रिलेटेड रिसर्च एरियाज पे यहाँ के रिसर्च ग्रुप काम कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग्स एंड PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी इंस्टीट्यूट को प्रिफर कर सकते हैं, ये बहुत ही रिनाउंड है। और जो पार्टिसिपेंट एंड रिसर्च साइंटिस्ट इनोवेटिव आइडियाज एंड स्टार्टअप्स में भी इंटरेस्टेड है, उनको भी मैं एडवाइस करूंगी कि इन URLs पे आके इनकी साइट विजिट करें, क्योंकि वो लोग स्टार्टअप्स एंड इनोवेटिव आइडियाज एंड ग्रुप्स को भी काफी सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें बेसिक बायोलॉजी एंड बॉटनी एग्रीकल्चर सेक्टर की, सो इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ICAR, आप में से कई लोग जानते होंगे, ये टॉप इंस्टीट्यूट और में से एक है। अगर आप ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स एंड PhD लेवल में हैं तो ये डिफरेंट काइंड की स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। और तो आप यहाँ पे एनुअली वाइजली जाके एक बार साइट्स को देख सकते हैं एंड स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है इन्फेक्शन बायोलॉजी एंड प्लाज्मोडियम रिसर्च में मलेरिया रिसर्च ग्लोबली एक सिग्निफिकेंट रिसर्च एरिया है जहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है। सो ICMR का एक सेपरेट इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया दिल्ली द्वारका में है। अगर आप इन्फेक्शन बायोलॉजी प्लाज्मोडियम मलेरिया जैसे काम करना चाहते हैं तो आप इन रिसर्च ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे आने वाले टाइम और अभी करंट टाइम में इंडिया में लिवर कैंसर, लिवर डिसऑर्डर्स, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, जॉन्डिस, ये सारी चीजें बहुत बढ़ रही हैं। हेपेटाइटिस कैंसर भी बढ़ते जा रहे हैं, हिपेटिक जो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के पेशेंट्स, और ये सब आप ज्यादा देख रहे हैं। इनके मल्टीपल रीजंस हैं, वायरस की वजह से, अल्कोहल की वजह से, ड्रग रिलेटेड भी। तो अभी हम उनके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बट ये इंस्टीट्यूट स्पेशली एडवांस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, ILBS, ये भी दिल्ली में है। सो एनीवन वो आर इंटरेस्टेड इन लिवर रिलेटेड कैंसर और लिवर डिसऑर्डर, आप इन इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में लिवर कैंसर एंड लिवर डिसऑर्डर के पेशेंट बढ़ ही रहे हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट एरिया है जहाँ पे हमें स्किल्ड साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की रिक्वायरमेंट है। आप में से जो भी जीनोमिक्स एंड प्लांट सेक्टर में इंटरेस्टेड है वो इंस्टीट्यूट NIPGR को ज्वाइन कर सकता है। ये NII एंड JNU के पास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक जीनोम रिसर्च सेंटर। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये लोग भी काफी रिसर्च बायोलॉजी बेसिक एंड एडवांस लेवल विद एडवांस फैसिलिटीज जीनोमिक लेवल पे प्लांट की डिकोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है प्लांट जीनोमिक्स में, दे कैन अप्लाई हियर। आप में से कोई भी अगर कैंसर रिसर्च एंड कैंसर प्रिवेंशन कैंसर बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी दिल्ली NCR नोएडा में आप ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं। या ICMR बेस्ड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप कैंसर रिलेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग के ऑप्शंस एंड पोजीशन निकलती रहती है, आप इनको टाइमली अप्लाई कीजिए। अगर आप ग्लोबल इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आपको ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इंटरेस्ट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की वेबसाइट पे एक बार जाइए। यहाँ पे डिफरेंट ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काम हो रहा है थेरोपेटिक्स एंड मॉलिकुलर लेवल पे। सो जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस, इस्मिक स्ट्रोक एंड ऑल दोस थिंग। तो आप में से किसी का भी इंटरेस्ट इन सब एरियाज में है जो कि एक ग्लोबल रिसर्च एरिया है, सो इंडिया में ही नहीं अब्रॉड अगर आप US वगैरह जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत लोग इस एरियाज पे काम कर रहे हैं। मैंने खुद भी पार्किंसन एंड अल्जाइमर पे US में काम करा हुआ है। सो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप इस URL को एक बार विजिट कीजिए और अपने लिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए आप यहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आई होप ये 15 टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप दिल्ली के हैं या नहीं, स्टिल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट इन एरियाज में है। आई बिलीव कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल था।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।